साउथ के दिग्गज एक्टर रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या और सुपरस्टार एक्टर धनुष ने आपसी सहमति के बाद अपना 18 साल पुराना शादी का रिश्ता तोड़ लिया है। रजनीकांत के दामाद रहे धनुष ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर ऐश्वर्या से अलग होने की घोषणा की है। धनुष के इस पोस्ट को पढ़ फैंस और फिल्म जगत हैरान रह गया, लेकिन इस फैसले में ऐश्वर्या की भी पूरी सहमति है। बता दें कि 5 साल पहले रजनीकांत अपनी दूसरी बेटी सौंदर्या के तलाक के दर्द से भी गुजर चुके हैं। एक तरफ जहां ऐश्वर्या शादी के 18 साल बाद अपने पति धनुष से अलग हो गई हैं, वहीं उनकी बहन सौंदर्या ने भी शादी के 7 साल बाद तलाक ले लिया था। सौंदर्या अपनी बहन के तलाक की खबर से काफी दुखी हैं। उन्होंने अपनी ट्विटर की प्रोफाइल फोटो चेंज कर एक पुरानी तस्वीर लगा दी है, लेकिन खुद सौंदर्या भी इन हालातों से लड़ चुकी हैं। दरअसल सौंदर्या ने साल 2010 में पहले पति अश्विन रामकुमार से शादी की थी और दोनों से वेद नाम का एक बेटा भी है। सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी सौंदर्या ने साल 2016 में खुद ही तलाक के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। शादी के 7 साल बाद वह साल 2017 में दोनों की सहमति से तलाक हुआ। कहा तो ये भी जाता है कि रजनीकांत ने बेटी सौंदर्या का रिश्ता बचाने की काफी कोशिश भी की थी, लेकिन सौंदर्या नहीं मानी और उन्होंने तलाक करने का मन बना लिया था। कुछ समय पहले अपनी शादी के बारे में सौंदर्या ने कहा था, धनुष और मेरे पापा की लाइफस्टाइल एक जैसी है। मेरी बहन को शादी के बाद ज्यादा मुश्किल नहीं हुई थी, लेकिन मुझे 3 साल बाद भी काफी दिक्कतें आ रही थीं। पहली शादी से मिली निराशा के बाद सौंदर्या की जिंदगी में एक बार फिर से प्यार ने दस्तक दी। सौंदर्या को एक्टर और बिजनेसमैन विशागन वानागन मुंडी से प्यार हुआ। दोनों ने अपने प्यार को शादी का नाम देते हुए 11 फरवरी साल 2019 को शादी कर ली थी। मिली जानकारी के अनुसार सौंदर्या के दूसरे पति विशागन की भी ये दूसरी शादी थी। वह एक फार्मा कंपनी के मालिक हैं। सौंदर्या सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। सौंदर्या अपने बेटे के बेहद करीब हैं। बता दें कि सौंदर्या एक ग्राफिक डिजाइनर, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। वे तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं। सौंदर्या ने अपने पिता रजनीकांत की फिल्म कोचांडिया को डायरेक्ट किया था। बतौर डायरेक्टर यह उनका डेब्यू था। उनके काम को भी काफी पसंद किया गया था।